बंगालगुड़ी एनकाउंटर मामले की सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने निर्देश के तुरंत बाद मामले को सीआईडी ने अपने हाथों में ले लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सीआईडी की एक टीम आज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची और परिवारों के खून के नमूने को डीएनए जांच के लिए संग्रह किया। 24 फरवरी के एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात डकैत केनाराम बसुमतारी को दफनाने के एक दिन बाद डिम्बेश्वर मुसाहारी के परिवार ने यह दावा किया था कि वो शव डिम्बेश्वर का है, जिसके बाद पुलिस ने शव की पहचान के लिए उसे कब्र से निकाल कर जीएमसीएच लाया, जहां उसकी पहचान की जाएगी कि आखिर ये शव किसका है। आज प्रथम स्टेप आम डीएनए जी प्रफाइलिंग लगे और तक घर मानु आल ब्लाड सेम्पल कलेेक्ट कर डॉक्टर कर एफ एस एल पठियाम बस्तुखि गोटेखे ए डि जि पी सर आज आई जि पी सी आई डी आते तदंत सुपारभाइज कर वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर में जो भी मारा गया है वो अपराधी था। এইটো আমি সিআইডিক ইনকোয়ারি কৰিব দিছো। প্ৰথম কথা আপোনালোকে এটো জানিব যে দেয়াৰ ৱাজ এ ফায়ারিং ফ্ৰম দা কাৰ। আইডেন্টিটি কিনাৰাম বুলি সন্দেহ কৰা আছিল, তেওঁৰ মাকে ভায়েকে আইডেন্টিফাই কৰিছিল, কাৰণে পুলিচে কিনাৰাম বুলি কৈছিলে। যেতিয়া আন এজনে ক'লে যে নহয় এইটো মোৰ হে, ই তেতিয়া আমি লগে লগে নামটো ডিম্বেশ্বৰ বুলি ক'লোঁ, কিন্তু বাট দ্য ফেক্ট ৰিমেইন দেট দেয়াৰ ৱাজ এ ফায়াৰিং ফ্ৰম দা ভেহিকল। এজন পুলিচ কনিষ্টবল আৰু এছ আই এজন তাত আহত হৈছে, গতিকে সি ডিম্বেশ্বৰে হওক কিনাৰামে হওক ৰিজাল্টটো একেটাই হ'লহেঁতেন। কিন্তু তথাপিতো চি আই ডিক আমি ইনকোৱাৰী কৰিব দিছোঁ যে কেনেকৈ মিষ্টেকেন আইডেণ্টিটি এটা প্ৰথমতে হ'ব পাৰিলে। আৰু এইটো বেচিকেলি ইনকুৱেষ্টৰ কাম ডি চি অফিচৰ পৰা হয়, এইটো পুলিচৰ পৰা নহয়। ডি চি অফিচৰ মানুহসকলে অলপ হাৰিডলি হয়তো কনক্লুজনত আহি গৈছিলে। পুলিচে কিনাৰাম বুলিও মৰা নাছিলে, ডিম্বেশ্বৰ বুলিও মৰা নাই। পুলিচক যেতিয়া গুলিয়ালে তেতিয়া পুলিচে কাউণ্টাৰ ফায়াৰ কৰিলে।